हेलो गाइस, आज हम बहुत दिनों के बाद मतलब 4-5 दिनों का गैप हो चुका है। फिर थोड़ा सा मेरा एग्ज़ाम होने के कारण मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पा रहा था। अभी तो एग्ज़ाम हो गया है, अभी थोड़ा टेंशन नहीं है दोस्तों। अभी आपके पास हर एक 2 दिन में एक अपना वीडियो आ जाएगा दोस्तों। अब तक हमने पूरा का पूरा नॉन कॉर्डेट्स ख़त्म कर चुके हैं। अब तक हमारे लगभग 11 वीडियो अब तक आ चुके हैं। ये 12वां वीडियो हो सकता है और ज़्यादा भी नंबर हो सकता है दोस्तों। तो अब तक हमने हेमिकॉर्डाटा तक कहानी ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लास्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया, सबसे लास्ट वाला फाइलम है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस फाइलम को पढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत है। ये फाइलम दिखने से बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, इसलिए सबसे लास्ट वाला फाइलम है अपने किंगडम एनिमिलिया के अंदर, जिसका नाम है फाइलम कॉर्डाटा। इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये कॉर्डाटा अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिए दोस्तों, तो तुमको बहुत ही सारे बायोलॉजी के चैप्टर में आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और डाइजेशन है दोस्तों, रेस्पिरेशन है, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट के ऊपर भी बहुत सारे है कुछ टॉपिक्स, इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के टाइम में भी हम पढ़ते हैं इसमें से, रिप्रोडक्शन है, मतलब बहुत ही सारे चैप्टर्स में इस फाइलम का जिक्र हो चुका है। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहाँ वहाँ मत भटकिए, एक ही चैनल फॉलो करके पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर कि ये वीडियो जो भी देख रहा है बच्चा लोग, अगर इसको किसी केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में अगर डाउट हो रहा है कि किसी को एमएससी सीईटी प्रिपरेशन करना है दोस्तों मराठी लैंग्वेज में से, तो आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं। उधर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा आ चुका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा आ चुका है, और फिजिकल केमिस्ट्री भी लगभग कुछ चैप्टर मैंने कम्प्लीट करवा चुके हैं। इसलिए दोस्तों अगर कोई बच्चा हमारे साथ 12th क्लास में है, जिसको बायोलॉजी अच्छे तरीके से आता है, जिसको स्टेट बोर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू पढ़ना है, तो वो हमारा केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट जाके फॉलो कर सकता है दोस्तों। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, क्योंकि कोई बच्चा किसी में इंटरेस्ट रहता है उसी लिए। तो लास्ट फाइलम है अपने पास फाइलम कॉर्डाटा, तुमको एनिमेशन भी साथ ही साथ दिखता होगा दोस्तों। कॉर्डाटा इसका मतलब क्या है दोस्तों? कॉर्ड का मतलब है नोटोकॉर्ड। कॉर्डाटा का फर्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या बोलती है दोस्तों? कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड है तो हम उसको फाइलम कॉर्डाटा के अंदर सम्मिलित करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर ये वर्ड अगर चला जाए, नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट हो जाए, तो हम नॉन कॉर्डाटा की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इस फाइलम के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको कॉर्डाटा बोलेंगे। लेकिन ये नोटोकॉर्ड जो भी है दोस्तों, वो नोटोकॉर्ड कहाँ है? डॉर्सल साइड में है। कैसा है दोस्तों? डॉर्सल साइड में है। अभी डॉर्सल का मतलब क्या है सर? डॉर्सल का मीनिंग क्या है? देखिए दोस्तों, मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूँ, मेरे 2 पार्ट हो सकते हैं, एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड, ठीक है। आगे की साइड में क्या होता है दोस्तों? हर्ट अपना प्रेजेंट है, और किधर से दोस्तों? वेंट्रल साइड में अपना हर्ट प्रेजेंट रहता है। और मेरे पिछली वाली साइड जो भी है उसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, जिसके पास क्या है दोस्तों? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अभी ये सर नोटोकॉर्ड हमारे ह्यूमन में किस तरह से प्रेजेंट है बच्चा लोग? तुम्हारा जो भी बैक बोन है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसके अंदर स्मॉल होल्स रहता है, जैसे के अंदर उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है दोस्तों। सिंपल याद रखो दोस्तों, आगे की तरफ मतलब वेंट्रल साइड और पीछे की तरफ मतलब डॉर्सल साइड। अपने पास नोटोकॉर्ड है, लेकिन कहाँ है? डॉर्सल साइड में अपने पास नोटोकॉर्ड है। और दोस्तों उसको हम नर्व कॉर्ड भी बोलते हैं, नोटोकॉर्ड को हम नर्व कॉर्ड भी बोलते हैं, जहां से हमारा पूरा न्यूरल सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद दोस्तों पेयर्ड फारेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है अपने पास।
अगर कोई फिशेस ऑर्गेनिज्म है जो फिश से बिलोंग करता है, ठीक है दोस्तों, अब उसके पास फेरेनिक्स होने की वजह से, फेरेनिक्स के साथ ही साथ उसके साथ गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों वो एक्वाटिक एनिमल्स है, अगर एक्वाटिक एनिमल्स होंगे तो उसके पास लंग्स तो नहीं होगा, सीधी सी बात है दोस्तों, अगर एक्वाटिक एनिमल्स होंगे तो उसके पास गिल्स रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिल्स जहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे गिल स्लिट्स, जो फेरेनिक्स के बाजू बाजू में है। दोस्तों फिश का जो भी स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके पास फेरेनिक्स रहता है, फेरेनिक्स के बाजू में गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना रेस्पिरेशन कर सकता है। इसलिए आप दोस्तों कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स जो बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डाटा के अंदर, उसके पास पेयर्ड जोड़ी रहना चाहिए, एक इधर लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, रहता ही रहता है। दोस्तों क्या सीखे हमने इसके, अपने पास नोटोकॉर्ड है जो डॉर्सल साइड में है, दोस्तों नोटोकॉर्ड है जो डॉर्सल साइड में है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों अपने पास एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बायलैटरल सिमेट्री है, सबके पास क्या है दोस्तों, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं दोस्तों। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट इन द जायगोट कंडीशन, जब वो बहुत ही स्मॉल कंडीशन में होता है जब तब थ्री लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सीलोमेट है दोस्तों, मतलब ट्रू एलिमेंट्री वॉल और जो भी डाइजेस्टिव वॉल है वो प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सीलोमेट बोलेंगे, और इसके पास ऑर्गन अच्छी तरह से होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके मतलब इसके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम अच्छी तरह से काम करते हैं, इट मीन्स दैट दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा काम कर रही है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम इसके पास कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, इसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सिलोमेट का मतलब दोस्तों ट्रू एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट है अपने पास, बायलैटरल सिमेट्री मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है दोस्तों इस वर्ड में, तो लेक्चर नंबर 1 जाके देख सकते हो एनिमल किंगडम का, उसके अंदर बहुत ही डिटेल वे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में दोस्तों अगर कुछ एनिमल्स है जिसके पास टेल है दोस्तों, तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहना इंपॉर्टेंट है, जिसके पास सभी के पास क्या है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है, और साथ ही साथ दोस्तों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी रहना चाहिए, इसका मतलब उस एनिमल की बॉडी के अंदर दोस्तों वेन्स रहना चाहिए, आर्टरीज रहना चाहिए, और कैपिलरीज रहना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पाइप क्लोज्ड पाइप रहना चाहिए, इसको हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसके पास हार्ट भी प्रेजेंट रहता है, और हार्ट के साथ कुछ पाइप्स हैं जिसको हम आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज बोलते हैं, वो भी अच्छी तरीके से है दोस्तों, इसीलिए हम इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें कॉर्डाटा के अंदर। बेसिकली दोस्तों कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा के क्या डिफरेंस है, क्या थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी नीचे दिए गए हैं, ये भी एनसीईआरटी से उठाया हूँ दोस्तों मैं, हर एक एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आपको समझाने की कोशिश चल रही है दोस्तों, ठीक है, तो किसी भी लाइन्स को अपने को छोड़ना नहीं है, हर एक लाइन्स को अपने को याद करते जाना है। सबसे पहली बात तो कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा के अंदर, कॉर्डाटा का मतलब दोस्तों नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको कॉर्डेट्स बोलेंगे, नोटोकॉर्ड क्या है दोस्तों इधर अब्सेंट, क्या है अपने पास अब्सेंट है दोस्तों, नोटोकॉर्ड अब्सेंट है इसलिए हम उसको नॉन कॉर्डाट्स बोलेंगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसलिए हम उसको कॉर्डेट्स बोलेंगे, नोटोकॉर्ड अब्सेंट है इसलिए हम नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे, समझ में आई बात। जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दोस्तों कैसा है, डॉर्सल साइड में, मैं अभी ही बोला दोस्तों कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है अपना डॉर्सल साइड में है, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है दोस्तों, इसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी है वो वेंट्रल साइड में है, इसका मतलब जो भी उसका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है दोस्तों, समझ में आई बात। और अपना हॉलो है दोस्तों, हॉलो नोटोकॉर्ड है, और उसके पास सॉलिड नोटोकॉर्ड है, क्योंकि दोस्तों अपने से वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसको सॉलिड टाइप ऑफ नोटोकॉर्ड रहता है। अपने पास दोस्तों सिंगल नोटोकॉर्ड रहता है, उनके पास डबल भी नोटोकॉर्ड रह सकता है, वेंट्रल पोजीशन में होने की वजह से अगर दोनों भी नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अपने पास सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम में एक ही नोटोकॉर्ड है जो हॉलो है और सिंगल है दोस्तों, समझ में आई बात। उनके पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में है, सॉलिड है और डबल है दोस्तों। अपने पास फेरेनिक्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट है दोस्तों, उनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब उनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं है।
हर्ट अपने पास दोस्तों वेंट्रल साइड में है। हर्ट अपना क्या है दोस्तों, आगे के साइड में है ना, हर्ट अपना वेंट्रल साइड में। अगर उनका हर्ट इसका डॉर्सल साइड में अगर प्रेजेंट रहा तो हर्ट उसका है दोस्तों डॉर्सल साइड में, हर्ट उनका रहना चाहिए। समझ में ये बात। अपने पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहना चाहिए, जो भी अपना पास टेल है वो रहना चाहिए। उनके पास ऐसी कोई टेल्स नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई टेल्स उनके पास नहीं होती है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आज का हमारा कॉर्डाटा यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और इसके आगे के वीडियो में तुमको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डाटा थोड़ा सा सब फाइलम के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, बहुत ही छोटा वीडियो हो चुका है, फिर भी हम सबसे हर एक कंसेप्ट में हर एक वीडियो के अंदर एक कंसेप्ट बताने की कोशिश चल रही है दोस्तों। इसीलिए याद से तुम हर एक वीडियो देख लेना दोस्तों, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ बातें समझ में आ रही है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अपने चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी ऑन कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ाई करते रहो दोस्तों।